हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ अपने एक ऐसे इलाके में आई हूँ जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा आज आपको बाहर जाकर कहीं जो है ईद की मुबारक दी जाए। तो कल जो है मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, तो आज मैंने सोचा कहीं बाहर जाते हैं घूमने शूमने के लिए। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं। तो फ्रेंड्स, ईद जो है काफ़ी बहुत ही मतलब अच्छी गुजरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कमेंट सेशन में लिखेंगे कि आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरी, ज़रूर लिखेंगे कमेंट में। तो अभी जो है फ़िलहाल मेरे साथ वीडियो में बने रहें आप। अभी मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एरियाज जो है आप दिखाती हूँ। पहले वाले चैनल पे भी मैं बताती थी, लेकिन आज आपको अपने इस चैनल पे बताती हूँ। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मतलब मौसम बहार जो आ चुका है इसमें हम घूमने के लिए आते हैं, सैर व तफरी करने के लिए आते हैं। इस जगह का नाम है कोट। तो इसको पुराने ज़माने में कोट बोला करते थे। तो मैं सारा एरिया जो है वो घुमा के आपको बताती हूँ। तो अभी जो है वीडियो में बने रहे, मैं बैक कैमरा करके बताती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप वहाँ। आज मैं आपको पुंछ के हर एक एरिया की सैर करवाती हूँ। हमारा एक यहाँ पे एक ऐसी मतलब यहाँ पे जगह है जहाँ से सभी जगहें जो हैं वो दिखती हैं। ये जहाँ पे आपको इस सामने एक माउंटेन दिख रहा है, इसके इस साइड में जो है दूसरी साइड में पुंछ की सिटी है, और ये हमारी रोड मंडी की तरफ आती है, जो कि मंडी से पीछे लोरन, सावजियाँ, फतेहपुर, अड़ाई, बहुत सारे गांव में ये जाती है। और ये आप सारे गांव देख रहे हैं पार। ये सामने जो है आपको दिख रहा है, मैं जूम करके बताऊंगी, ये पॉलीटेक्निक कॉलेज है, और ये हमारा ब्लॉक साथरा पूरा। और इसके बाद आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़, माउंटेन, और ताज़ा बर्फबारी हुई है इन दिनों में यहाँ पे। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी वादियाँ हैं। ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम शाम को सैर करने के लिए आते हैं, सैर व तफरी। और जहाँ गर्मियों का मौसम जब होता है तो यहाँ पे इतनी खुशगवार जगह होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये देख सकते हैं कितनी प्यारी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ताज़ा बर्फबारी हुई है इन दिनों में, ये कश्मीर के साथ जो है अटैच होता है। ये कितने खूबसूरत एरियाज़ हैं यहाँ पे। तो ये सारे गांव जो है यहाँ से मतलब पूरे दिखते हैं, इसलिए मैं इसी जगह पे आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। ये हमारा ऊपर वाली साइड जो है, जब भी तोती आपको यहाँ की सैर भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ये जितने भी एरियाज़ हैं ये यहाँ पे ऊपर ऊपर वाली साइड, ये सभी टूरिस्ट प्लेस हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो आपको इन सभी जगहों की सैर करवाई जाएगी। ये हमारे नेबर विलेजेस हैं, कहनू, कोलानी, सेड़ी चुहाना, सेड़ी ख्वाजा इसके आगे हैं, और ये पारतिमरा, और सभी यहाँ पार ये साथ रहा है जहाँ पे ये इस पेड़ के पीछे जो है यहाँ आ रहा है, ये कवर नहीं हो पा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत एरिया है यहाँ। तो वीडियो में आप मेरे साथ जो है वो एंड तक बने रहिएगा, और कमेंट सेशन में जो है ज़रूर आप लिखेंगे आपकी ईद कैसी गुजरी, तो वरना मुझे ऐसे पता नहीं चल पाएगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहे, आज की रूटीन आपके साथ पूरी जो है वो शेयर होगी, बातें शेयर होंगी। ये देख सकते हैं आप, ये कितना खूबसूरत एरिया है, जगह है, और यहाँ से भी आपको कवर करके बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले जो है ना, ये हमारा दूसरा विलेज है, विलेज दड़ाक कहते हैं इसे। और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे ये सभी चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पे, वाह माशाल्लाह। तो अभी जो है ना, मेरा मास्क भी यहाँ से कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, क्योंकि हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी मैं व्लॉग बनाने के लिए आती हूँ ना, यहाँ बहुत ज़्यादा हवा होती है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए मतलब यहाँ का व्लॉग जो है बनाए इंशाल्लाह। मैं कभी यहाँ पे अपने ट्यूशन स्टूडेंट्स को जो है लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, उनके साथ एक पिकनिक मनाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूर नहीं जा पाते, उनके साथ एक व्लॉग आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। यहाँ पीछे काफ़ी जगह है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे उनके बीच में जाना, इसलिए मैंने सोचा कि साइड पर जो है व्लॉग बना लूँ यहाँ पे। बार मैं आपको ऐसे घुमा के दिखा देती हूँ, वाह चक्कर आने लगा। फ्रेंड्स, व्लॉग जो है सुबह मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है टाइम नहीं मिला। अभी जा रही हूँ मैं अपनी कजन के घर, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा।
पिछले दिनों में एक दिन मैंने व्लॉग में आपको बोला था यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ आज इतनी ज्यादा सर्दी है कि मुझे गर्म ये स्टॉल रखना पड़ा। तो अभी भी जो है बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे जनवरी फरवरी की तरह ठंड है। तो अभी जो है मैंने नमाज पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत की। तो ये नहीं है कि आप लोगों में डेली व्लॉग में बोलती थी कि रमजान के बाद आप नमाज और तिलावत नहीं छोड़नी, आपने कंटिन्यू करनी है। तो वही इसलिए मैंने बोला यहाँ पे ताकि आपको भी याद रहे, तो मैं आगाह करती रहती हूँ आपको हर व्लॉग में। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अभी जो है मैं आपको एक कुछ चीज बताने वाली हूँ। आप एक चीज ये भी बताओगे कमेंट सेशन में, किस किस को कितनी कितनी ईदी मिली। तो मुझे सिर्फ 500 ईदी मिली, अभी पेंडिंग है सबकी ईदी। तो अभी काफी सारे व्लॉग आएंगे, क्योंकि कल का व्लॉग जो है ना मैं नहीं शूट कर पाई, काफी सारा मतलब रश था, ये वो था, और घर में काम भी लगा हुआ है। तो अभी हमारी किचन भी आपको पता है, यहाँ पे हम ऐसे वो आए हुए हैं जैसे ऐसे लगता है किराए पे आए हुए। तो फ्रेंड्स, और एक बात बतानी थी, हाँ ईदी। तो अब जो है इसके बाद मैं मामू के घर जाऊंगी, फिर चाचू के ताया उधर जाऊंगी, सभी व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी और एक मेरी यहाँ पे नजदीक ही कजन है, उनके घर जा रही हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे। अभी कल के आपको बताऊंगी, कल भैया ने लड्डू बनाए। ये है जी लड्डुओं का करतूत। तो ये देखो इस तरह के बनाए हुए, ये फ्रीजर में रखने पड़ते हैं, ऐसे ही बाहर ही रखे हुए थे। तो इनको कुछ को बन गया है, मतलब वो नहीं बोलते होते जैसे वो कहते थे कि चपाती बनती है जायनमाज, एक उधर बन गया कि दिया कितना मोटा है भैया ये लड्डू। तो एक बात है टेस्टी इतने है ना, लेकिन सिर्फ छोटे बड़े हो गए कुछ हो गए, तो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएंगे, लेकिन मुझे भी आए। लेकिन ये इनका थोड़ा ना साइज थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो ये सबसे ज्यादा ही छोटा है। ये फ्रीजर में रख के अच्छे बनते, काफी सारी मतलब बनाई थी भैया ने, काफी सारी चीजें बनाई थी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। कल का व्लॉग इतना अच्छा बनता इतना, लेकिन ये कल के बच्चे हुए हैं काफी सारे, 50-60 निकाले थे, तो बच्चों में जो है वो बांट दिए। तो अभी जो है ना मैंने ये आपके लिए रखे हुए थे पेंडिंग बताने के लिए, तो कि मैं बताऊंगी घर में ये मिठाई बनाई खुद से ही। इसी साल हमने ट्राई किया, पहले इससे नहीं कभी हमने ट्राई, इससे पहले कभी भी नहीं ट्राई किया। उनको मैं ना थोड़ा ठीक करके रख देती हूँ। तो कमेंट सेशन में आप जरूर बताएंगे कितनी ईदी मिली, ईद कैसी निकली। तो मैं तो ईद का व्लॉग जो शूट नहीं कर पाई, ना ही हमने ईद की शॉपिंग की इस बार, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा काम लगा हुआ है शादी का, तो मैं नहीं जा पाई कहीं भी। तो आप शादी की शॉपिंग जो है वो होगी, तो इंशाल्लाह वो व्लॉग जो है आपको जरूर मिलेंगे बताएंगे। तो अभी मैं किचन में ही बैठी हूँ, मैं हाथ वगैरह साफ कर आती हूँ, धो आती हूँ। ये देखिए मेरे हाथों की क्या कंडीशन हो गई है। तो वीडियो में फिलहाल बने ही रहिएगा मेरे साथ। ये देखो भाई हमारी किचन अभी अनकम्प्लीट है, उस दिन मैंने ऐसे बताया था आपको कि हमारी किचन जो है कम्प्लीट हो गई है। अभी इसके ऊपर जो है ना काफी सारे और भी मतलब कलर्स करने हैं, इसलिए हमारा किचन अनकम्प्लीट। ये देखो थोड़े थोड़े बर्तन लगाए हुए हैं जैसे किराए पे आए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और एक ईदी में ये मिली है, देखा आलू फ्रूट ये मिली है एक ईदी में, और 500 अभी तो पेंडिंग है सबसे। 500 लेकर रहूंगी, पिछले साल मुझे बने थे 2500, 3000 इतने। तो अभी ना अभी दीदी भी आएंगी, उसके बाद बड़े भैया ने भी अभी नहीं दिए, पापा से भी अभी पेंडिंग है। लेकिन एक बात है, मुझे टाइम नहीं मिला लेने का, बस ये देखो एक 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 आलू फ्रूट कीवी जो है ना सिर्फ यही मिली मुझे कल से। मतलब बाकी तो खाने पीने का मैंने बहुत कुछ खाया, लेकिन दुकान की चीजें जहां लगती है ना वहां खाना अलग होता है, ये चीजें अलग होती है। जैसे बचपन में शौक होता था ना दुकान की चीजें खाने का, वही आज तक भी वैसा ही शौक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको पी लेती हूँ, तो फिर वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं जाती हूँ, अभी लेट हो गया बहुत ज्यादा, इस वक्त 4 बजे का टाइम है। वीडियो में बने रहे, वापस आके मैं एंड करूंगी व्लॉग को। फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, ये हमारी रोड है, यहाँ से रास्ता जाता है मेरी कजन की तरफ। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको व्लॉग जो है आज दिन का पूरा व्लॉग मिलेगा। आज तो उतना खास व्लॉग नहीं, बस सिर्फ आपसे ढेर सारी बातें करनी है, ईद वगैरह के बारे में पूछा आपको। तो अभी जो है मैं वहाँ नज़दीक पहुँच गई हूँ,
वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स अभी मैं वहां से वापस आ गई कजन के घर से, तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट और अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, दुआ में।